जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक तरफ जहां जनता मोदी सरकार की जमकर सराहना कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता भी मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जब धारा 370 हटने को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये धारा अगर जम्मू कश्मीर में लगी थी तो उसके जिम्मेदार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और शिवराज सिंह चौहान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपराधी भी बताया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सुनने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शिवराज सिंह ने किया वो गलत है। पंडित नेहरू को अपराधी कहना शिवराज सिंह चौहान को शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिवराज पंडित नेहरू की धूल भी नहीं है। वैसे आपको बता दें कि धारा 370 खत्म होने के बाद से एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं को मिर्ची लगने लगी है। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।